नमस्कार दोस्तों दोस्तों YouTube और Facebook को कैसे खोला जाए जहां पर कि यह ब्लॉक्ड है। हम लोग कभी कभी ऐसी समस्या का सामना करते हैं जबकि किसी ऑफिस में या किसी ऐसी पब्लिक प्लेस में होते हैं जहां पर हमको YouTube या Facebook इस्तेमाल करना होता है, लेकिन वहां पर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने ब्लॉक कर रखा है। तो दोस्तों इस तरह के नेटवर्क में कैसे आप अपने YouTube और Facebook को एक्सेस करें इसके बारे में हम दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसमें क्लिक कर लीजिए और उसके बगल में जो घंटी का बटन है उसके बाद उसमें दबा दीजिए। यह फ्री है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे पहले बढ़ने से पहले हम बता देते हैं आपको, देखिए गूगल क्रोम हमने ब्राउजर ओपन कर लिया है और हम आपको ये बताते हैं कि हमारे ब्राउजर में यूट्यूब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये हम आपको लाइव दिखाते हैं। दोस्तों ये यूट्यूब, देखिए यूट्यूब ओपन नहीं होगा, ये फाइनली एरर में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऐसे ही घूमता रहेगा और एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसका क्या सलूशन है, क्या तरीका है हम आपको बताते हैं। ये देखिए आपको एरर में चला गया, साइट कांट बी रीच, इसका मतलब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने इसको ब्लॉक कर रखा है। तो दोस्तों हम वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इसके, लेकिन हम एक बहुत बढ़िया तरीका आपको बताएंगे जिसके द्वारा आप ऐसा कर सकते हैं। आप गूगल में जाएं दोस्तों, यहाँ पे आप एक ब्राउजर सर्च करें जिसको कि टॉर ब्राउजर कहते हैं, TOR ब्राउजर डाउनलोड, टॉर ब्राउजर डाउनलोड बोलते हैं। तो ये टार ब्राउजर को आप डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पर साइट से और डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल कर लीजिए। दोस्तों ये ब्राउजर क्यों काम करता है इसके बारे में हम बता दें, ये ब्राउजर जो कि दोस्तों ये प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करता है और ये प्रॉक्सी के द्वारा आपके इस नेटवर्क को एक्सेस करता है। दोस्तों इसको ब्लॉक नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये इसके द्वारा लोग अपने YouTube या Facebook के अकाउंट जो ब्लॉक्ड है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसको डाउनलोड करके दोस्तों इंस्टॉल कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैं आपको डायरेक्टली इसमें ले जाता हूँ। ये रहा ब्राउजर और इस ब्राउजर को आप ओपन करिए। दोस्तों हम दोनों को साइड बाय साइड देख रहे हैं कि एक ब्राउजर में ये काम करेगा और दूसरे ब्राउजर में ये नहीं करेगा, मीन्स कि एक में YouTube खुलेगा दूसरे में नहीं खुलेगा। दोस्तों जैसे मैं ये अब YouTube.com इसमें टाइप करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, मैं इसको थोड़ा साइड बाय साइड दोनों को कर लें जिससे और हमको आसानी होगी इसको समझने में कि क्या चीज़ है ये। आप देखिए ये भी है साथ में और ये भी है, मैं साथ में ये भी देखिए इसमें भी YouTube को ओपन करता हूँ तो इसमें ओपन नहीं हो रहा है जबकि इसमें ऑलरेडी ओपन हो चुका है और कोई भी जो वीडियो इसमें ओपन हो चुका है आप इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं अगर इसमें सर्च भी कुछ करना चाहूँ, जैसे कि मैं सर्च करूँ मान लिया गूगल गूगल पिक्सेल 2 ऐसा करके मैंने सर्च कर लिया तो अब ये वीडियो ओपन हो गया। अब इस वीडियो को मैं चला सकता हूँ, ये ओपन हो सकता है और ये चलेगा, जबकि साथ में आप गूगल क्रोम में दोस्तों देखिए यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत बढ़िया तरीका है, आप टॉर ब्राउजर यानी TOR ब्राउजर को आप इंस्टॉल कर रहे हैं और इस तरह के ब्लॉक्स ब्लॉक हुए नेटवर्क में आप अपना YouTube या Facebook चला सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, अगर कोई आपका सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जरूर बताएं, हम आपको इसका जवाब जरूर देंगे। नमस्कार।